साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी शादी की 20वीं सालगिरह का दिन भूल गए। अहलिया की याद दिलाने पर बूम बूम अफरीदी ने इस अहम दिन की याद ना रखने पर माफ़ी मांग ली। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। शाहिद अफरीदी ने शादी के 20 साल मुकम्मल होने पर अहलिया के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर भी जारी की। शाहिद अफरीदी और नादिया शाहिद की शादी 2000 में हुई। 5 बेटियों के वालिद बूम बूम अफरीदी ने अपनी अहलिया की तारीफ करते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करने के साथ इन्हें ज़बरदस्त लाइफ पार्टनर करार दिया। इन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए देखभाल करने वाली, समझदार और हैरत अंगेज लाइफ पार्टनर साबित होने पर अल्लाह ताला का शुक्र गुजार हूँ। इन्होंने बताया कि आज शादी की सालगिरह भूल जाने के बावजूद अहलिया ने मुझे माफ़ कर दिया, जो इनकी बहुत सी बेहतरीन खसूसियात में से एक है। क्रिकेटर ने अहलिया को टैग करते हुए शादी की सालगिरह की मुबारकबाद दी और खूबसूरत तस्वीरें भी शेयर की, जिसमें दोनों को गुलदस्ता थामे देखा जा सकता है और जोड़ी 20वीं सालगिरह का केक भी काट रही है। नादिया शाही ने भी अपने अकाउंट पर शोहर की बहुत तारीफ करते हुए इन्हें बेहतरीन शोहर, बेहतरीन इंसान और बेहतरीन दोस्त करार दिया। नादिया शाहिद ने शोहर के ट्वीट पर जवाब देते हुए खुश मिजाजी का मुजाहिरा किया और लिखा कि वक्त गुजरने के साथ साथ आपको हर चीज़ याद दिलाना पड़ती है। अच्छा शोहर, बेहतरीन दोस्त और मजमूनी तौर पर एक हैरत अंगेज इंसान को शादी की सालगिरह मुबारक हो। ना सिर्फ आम मद्दा बल्कि मशहूर और मारूफ शख्सियात भी शाहिद अफरीदी को मुबारकबाद देने में पेश पेश हैं। कौमी क्रिकेटर टीम के ओपनिंग बैट्समैन मोहम्मद हफीज़, अदाकार फैसल कुरैशी, वहाब रियाज, हसन अली और दीगर शाहिद अफरीदी को मुबारकबाद देने वालों में शामिल हैं। रवां बरस 5वीं बेटी उर्वा के वालिद बने। शाहिद अफरीदी ने अपनी खुशी मद्दाहों के साथ बांटते हुए अपनी बेटी की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। इन्होंने इस खुशखबरी का इजहार अपनी चारों बेटियों के हमरा ग्रुप फोटो के साथ किया। शाहिद अफरीदी ने कहा कि अल्लाह के मुझ पर बेशुमार रहमतें हैं, 4 काबिल तारीफ बेटियों के बाद अल्लाह ने मुझे 5वीं बेटी से नवाजा, अल्हम्दुलिल्लाह। शाहिद अफरीदी के मद्दाहों ने भी शादी की सालगिरह की मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर लगी है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब